Hello friends, good morning. Welcome to All Time Study Channel. So let's start. Today I will discuss some previous year questions of Hindi TGT and PGT. So आज हम start करते हैं जो आपका 23/7/2018 को evening shift में हुआ था friend ये paper और ये है Hindi TGT, Hindi PGT male candidate. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है. तो मैं बता दूं आपको, जो तुलसीदास है वो कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं. बात कर लीजिए नंददास, सूरदास और मीराबाई. मीराबाई तो कृष्ण के प्रति इतनी भक्त थी, मतलब कृष्ण के प्रति उनकी इतनी मोह था कि वो हर बार जो कृष्ण के लिए मतलब इतनी उनके इतनी अधीन थी. तो यहाँ पे कृष्णदास भी जो है वो जो है कृष्ण भक्ति के हैं. और जो रस खान है, रस खान, ध्रुवदास और नंददास, सूरदास, स्वामी हरिदास या परमानंद, ये जो आपके ये सारे कृष्ण भक्ति के हैं. और तुलसी की बात करें तो ये राम भक्ति के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. भूषण की रचना नहीं है. देखो शिवाबावनी, छत्रसाल और शिवराज ये भूषण की जो रचना है, लेकिन ये जो जहांगीर जसचंद्री का, ये आपकी केशवदास की है. तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. तो जहांगीर जसचंद्री का जो है वो आपकी यहाँ पे भूषण की है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेमार्ग की शाखा के कवि नहीं है तो कुतुबुद्दीन, जायसी और मंजन. और लेकिन ये दादू दयाल है, ये आपके ज्ञान मार्ग की शाखा के हैं. तो इनकी जो आपको रचनाएं वगैरह इन्होंने किन किन कवियों द्वारा है, तो ये आपको जो वो बिल्कुल यहाँ पे रटना पड़ेगा. तो कुतुबुद्दीन, जायसी, मंजन, जैसे कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख कुतुबुद्दीन और मंजन, ये आपकी जो प्रेम मार्ग की शाखा के हैं. तो आंसर हो जाएगा आपका दादू दयाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी उदारणा किस आलोचक की है. हजार प्रसाद द्विवेदी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद्यापति ने किस भाषा में रचनाएं की है. तो खड़ी बोली में की है और ये आदिकाल से रिलेटेड है आपका. तो विद्यापति जो आपका आदिकाल के अंतर्गत आएगा, ये आपको जो याद करना है. नेक्स्ट है चंद्रवदाई किसके दरबारी कवि थे. तो ये पृथ्वीराज रासो के थे. ये भी जो आपका आदिकाल से रिलेटेड है. आदिकाल में कौन कौन से जो साहित्य, जैसे नित जैन साहित्य, नाथ साहित्य, तो इस प्रकार के जो वो आपको याद करने हैं. फिर निम्न में से कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं है. देखो ये आ गया वही क्वेश्चन, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये तीनों जो वो आपके आदिकाल के, लेकिन ये प्रगतिवादी साहित्य है. तो बाद में जो भी प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद के समय में जो भी रचनाएं या कविताएं जो भी लिखी गई थी वो प्रगतिवाद साहित्य के अंतर्गत आते, लेकिन ये तीनों जो वो आदिकाल के. फिर मीराबाई के जो है इष्ट देव कौन थे. तो मीराबाई किसकी भक्ति में लीन थी. तो कृष्ण की भक्ति में लीन थी. तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. निम्न में से कौन सी रचना जो वो पद्माकर की है. तो पद्माकर की रचना जो है आपकी वो है गंगा लहरी. बाकी इन तीनों की बात करें ये आपकी जसवंत की है, रामविलास जो आपकी वो देव की है, और गंगा लहरी आपकी जो वो पद्माकर की है. नेक्स्ट है केशवदास की रचना नहीं है. तो रामचंद्री का कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये तीनों नहीं है, लेकिन जो रामला छो है वो आपकी केशवदास की रचना है. फिर ललित लाम, तो ये है आपकी मतीराम की रचना. आदिकाल को वीरकाल किसने कहा. तो ये विश्वनाथ प्रसाद. आदिकाल को मीन्स किसी ने तो सिद्ध सामंत काल का है, किसी ने कुछ का है, किसी ने वीर गाथा काल का है, किसी ने वीर काल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी और का नाम लिया है. और इन्होंने भी कोई तो 1000 से
1300 मान था, कोई 1050 से 1375 मान था। तो आदि जो भी भिन्न साहित्यकार है या जो कविकार जिन्होंने आदिकाल के विभिन्न नामों से पुकारा और विभिन्न नामों से इनकी जो वो रचनाएं की है, तो इसमें फ्रेंड कन्फ्यूजन नहीं होना। जो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में ऑथेंटिक बुक में मिले आपको वही टिक करना है। तो विश्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सांकत्या ने उसको आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का है, ये आपका राइट आंसर फर्स्ट हो यहाँ पे। नेक्स्ट है मीर गावत किसकी रचना है, तो मीर गावत जो आपकी कुतुबन की रचना है, तो थर्ड आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सोहिल्ला किसकी रचना है, तो ये आपकी गुरु नानक की, सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सतसई के रचनाकार, तो सभी को पता है ये आपके बिहारी हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट है आपका वही आ गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या भक्ति काल का समय क्या लिया है, तो इसने उसका जो समय लिया आदिकाल का समय, तो जैसे आपका 1050 से 1375, और आदिकाल के बाद ही भक्ति काल आता है, उसके बाद रीति काल आता है आपको पता है। तो जो इसका संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। फिर आमिर खुसरो ने क्या नहीं लिखा है, देखो आमिर खुसरो खड़ी बोली के जो भी सबसे पहले आदिकाल में खड़ी बोली को किन्होंने माना है, मतलब किन्होंने बताया, तो आमिर खुसरो की जो वो यहाँ पे खड़ी बोली में उन्होंने सारी रचनाएं वगैरह ऐसे की है। तो उन्होंने सिर्फ उल्ट बासी को नहीं लिखा, बाकी मुकरियादों सुखने और पहेलियाँ जो वो आमिर खुसरो ने लिखी है, और उनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली में। फिर अखरावट किसकी रचना है, तो अखरावट आपकी जो वो जायसी की रचना है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जायसी। नेक्स्ट अदित्य मुक्त कवि नहीं है, देखो ठाकुर गणानंद बोधा ये तीनों जो आपके है, तो आपके सारे रीति काल के, लेकिन जो रीति मुक्त एक तो होता है रीति सिद्ध, एक होता रीति मुक्त, तो इसमें रीति मुक्त पूछा आपको, एक रीतिबद्ध भी होता है। तो यहाँ पे जो ये है ये आपके रीति मुक्त कवि नहीं है, बाकी आपके जो ठाकुर गणानंद बोधा ये आपके रीति मुक्त है। फिर अष्ट छाप के कवि नहीं है, चतुर्भुजदास नंददास कृष्णदास ये आपके अष्ट छाप के कवि हैं, लेकिन जो नाभादास है वो नहीं है आपके। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा नागार्जुन की रचनाएं नहीं है, सतरंगे पंखों वाले युगधारा और तुमने कहा था, ये तीनों जो है वो नागार्जुन की है, लेकिन ये जो युगांत है ये इसकी रचना नहीं है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, व्यक्तिकता यथार्थपरकता व्यंग और समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श। तो व्यक्तित्व व्यक्तिकता ये जो है प्रगतिवाद की विशेषता यहाँ पे नहीं है। आषाढ़ का एक दिन तो सबसे इजी क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जो आधे अधूरे और इस तरह के जो उन्होंने नाटक वगैरह रचनाएं की हैं, तो आषाढ़ का एक दिन नाटक ये मोहन राकेश का है। नेक्स्ट है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति क्या नहीं है, तो यह भावप्रण दृष्टि। तीसरा सप्तक का प्रकाशन, देखो ये सप्तक का जो भी टाइम पीरियड है ना वो 7 साल के गैप में था, हर 7 साल बाद था, तो इससे पहले जो भी हुआ होगा वो 1952 में हुआ होगा। तो ये था तीसरा सप्तक 59 में, 1959 में, और जो दूसरे वाला वो 52 में हुआ होगा। कारवा एकांकी के लेखक कौन है, तो कारवा एक भुवनेश्वर है, ये आपका फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। है देखो धर्मवीर का जो सूरज का सातवां घोड़ा, इसके कई जो उपन्यास है वो आपके लिए जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, ये जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो है वो आप टेक्स्ट में पढ़ाए जाते हैं, तो आप एक बार इनके ज़रूर पढ़िएगा। और प्रेमचंद के भी काफ़ी उपन्यास बहुत ही अच्छे हैं, उनको भी ज़रूर पढ़िएगा। फिर रानी केतकी की कहानी की रचनाकार, तो इंशाल्लाह खा ये जो है आपका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक आपके जो हैं वो श्रीनिवास दास हैं। तार सप्तक के कवि तो धर्मवीर भारती है, सॉरी तार सप्तक के कवि नहीं है, यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो भारत भूषण अग्रवाल है, गिरिजा कुमार है, रामविलास शर्मा, लेकिन धर्मवीर भारती के जो तार सप्तक, इन्होंने कोई तार सप्तक जो नहीं उसके बारे में कोई बात नहीं की थी। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सरदार पूरण सिंह, ये भी हमें ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था, काफ़ी अच्छा है आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट है
नगरी नीरद पत्रिका कौन निकालते हैं? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो वो निकालते हैं। नेक्स्ट है, मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला जो वो श्री शारदा प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उद्दंत मानदंड, और ये कुछ है जो इसकी पता नहीं स्थापना या किस टाइम हुई थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 39 या ऐसा ही कुछ करके था, 1905 या 8, आई डोंट नो। नेक्स्ट है, विदेही वनवास के जो रचयिता है वो कौन है? तो ये है हरि ओद, थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आपका राइट आंसर होगा। फिर अब बाल मुकुंद गुप्त के, तो एक शिव शंभू का चिट्ठा तो उसने लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने, और मेरे राम का मुकुट भी जरा ये भी शायद बाल मुकुंद गुप्त ने ही लिखा है। श्रांत पथिक नामक काव्य अनुवाद किसने किया? तो ये किया था आपके श्रीधर पाठक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? देखो अजात शत्रु है, स्कंद गुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है, लेकिन रक्षाबंधन इसका जो हो कोई नाटक नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह उद्घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1873 में की थी। प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था? तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी, बिल्कुल इन्हीं के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा नहीं है? तो अपनी धरती अपने लोग ये इसकी नहीं है, तो ये किसकी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा। लंबी कविता अंधेरे में किसके द्वारा रचित है? तो ये मुक्तिबोध के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है, भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक अंधेर नगरी। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये रामविलास शर्मा की जो वो नहीं है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर की भाषा के संदर्भ में किसने किया? तो कबीर की भाषा थी जो वो थी क्या थी, सदुकड़ी, लेकिन हजार प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी के डिक्टेटर कहा था, थर्ड आपका राइट है। फिर है जेहाल एम इसकी मकुंद तंगाफूल दराए नैना बनाए बतिया पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो खड़ी बोली के माने जाते हैं। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यान कर्त की निर्देश में एक डैश, तो ये उसका यात्रा वृतांत है। निम्नलिखित में से डैश निराला की कविता नहीं है? तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसको इलाहाबाद के, तो ये निराला की है। सरोज स्मृति निराला की है, राम की शक्ति पूजा निराला की, लेकिन जो बाग है वो निराला की नहीं है। नेक्स्ट, तूफानों के बीच शीर्षक से किसके रिपोर्टाज प्रकाशित हैं? तो ये है राघे राघव। नेक्स्ट है, मलेच्छ की डायरी का संपादन किसने किया? तो ये किया था नामवर सिंह ने। बिहारी की काव्य भाषा थी? तो ये थी ब्रज भाषा। तो बिहारी की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो ये है 15। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डैश मैथिली क्षणगुप्त का काव्य नहीं है? तो साकेत यशोधरा भारत भारती, ये तीनों जो है वो मैथिली क्षणगुप्त के हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र जो है वो आपका यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, अशोक के फूल किसके निबंधों का संग्रह है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कृष्णा सोपती कृत हम हर्षमत किस विधा की रचना है? संस्मरण, फर्स्ट आपका राइट है। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। मेरा परिवार स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही, याद हो कि न याद हो, ये जो वो उनका यहाँ पे नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध आरंभ में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो ये विचार भी थी। निर्गुण कौन देश को बासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये है सूर द्वारा रचित।
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह नंदलारे वाजपेयी। मीराबाई की काव्या कौन सी भाषा में थी? तो ये राजस्थानी भाषा में थी। नेक्स्ट है, सुनीता किसका उपन्यास है? तो ये जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र के और भी काफी उपन्यास है। अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आदेश, अंक, पुस्तक, स्वागत। तो अंक जो है वो अनेकार्थी शब्द आपका। मैलांचल उपन्यास के केंद्र में है, तो ये है पूर्णिया जो कि बिहार। सेकंड आपका राइट है। फिर है अनुराग का विपरीतार्थक, तो ये होगा विराग। कूल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो एक कूल तो होता आपका वंश, एक कूल होता आपका किनारा। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। कौन सा सुमेलित नहीं है? ममता कालिया का बेघर, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, निर्मल वर्मा का आपका बंटी नहीं है, मन्नू भंडारी का आपका बंटी। तो यहाँ पे थर्ड जो आपका राइट आंसर होगा, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, ये ठीक है, लेकिन मन्नू भंडारी होगा यहाँ पे, निर्मला वर्मा नहीं होगा, निर्मल वर्मा नहीं होगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? झरोखे, तमस, कड़िया या आधा गांव? तो आधा गांव जो है वो उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। नेक्स्ट है, उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कभी कभी शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, शब्द के अर्थ में बदलाव आता है, या कभी कभी शब्द के अर्थ में विशेष अंतर नहीं आता, या उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से उपयोग होता है। तो फोर्थ आपका जो राइट आंसर है, ये कथन जो वो गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी का कोसी का घटवार ठीक है, धर्मवीर भारती का बंद गली का आखिरी मकान ठीक है, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया ये भी ठीक है, ममता कालिया का बादलों के घेरे ये जो आपका गलत है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव में फ्रेंड मैं आपसे डिफरेंस बता दूं, मैंने ये अपनी वीडियो में अच्छे से बताया भी हुआ है। तद्भव, तद्भव तो वे शब्द होते हैं जैसे मोर, काजल, गिलास वगैरह, इस टाइप के जो शब्द आपको सुने होते हैं ना, जो आप डेली यूज में सुने, तो एक एक तरह से सिंपल सी ट्रिक है। लेकिन तत्सम शब्द वो है जैसे वत्स है, तो वत्स आप डेली यूज में नहीं बोलते, लेकिन आप मोर जो है वो डेली यूज में बोलते हैं। आग भी डेली यूज में, कि आग जला दी या फिर आग लग गई, या मोर या फिर फूल, ये आप डेली यूज में बोलते हैं। तो ये आपके जो है वो तद्भव है, और तत्सम पूछा है तो वत्स है, तो जिनका आप डेली लाइफ में यूज करते हो तो वो आपके जो हैं वो तत्सम शब्द होंगे। डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो आपके तद्भव होंगे, उनके अलावा आपके तत्सम। समास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता है, तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है, ये जो आपका कथन गलत है, और सभी कथन आपके जो वो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? सुधाकर, प्रभाकर, सुधाधर, निशाकर। तो प्रभाकर जो पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे पर्यायवाची है। फिर है एकार्थी शब्द कनक, कर, खग, यानी कि जिसका एक ही जो है वो अर्थ हो, और जिसके अनेक अनेक अर्थ हो वो आपका अनेकार्थी। तो आयु यहाँ पे आपका जो है वो एकार्थी शब्द है, जैसे कनक है, तो कनक का मतलब धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, इस तरह से जो आपके ये अनेक शब्द होते हैं, तो आयु यहाँ पे एक ही है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जिस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं, देखो सभी प्रधान यानी कि प्रथम पद और जो बाद वाला जो पद होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो ये द्वंद समाज कहलाता है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं फ्रेंड। फिर तद्भव शब्द कौन सा? अभी मैंने ऊपर ट्रिक बताई थी कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं।
जैसे 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 ओस्ट, हम इसको डेली लाइफ में यूज नहीं करते तो ये आंसर नहीं होगा। आलस्य, आलस्य भी नहीं हम डेली लाइफ में यूज करते, उच्च भी नहीं यूज करते, लेकिन ऊंट का जो यूज जरूर करते हैं। तो ये आपका हो गया तद्भव। अगर यहाँ पे तत्सम पूछ लिया जाता तो ये तीनों होते आंसर। प्रेमचंद की कहानी नहीं है, देखो पूस की रात भी है, ईदगाह भी है और कफन भी है, लेकिन ये आकाशदीप है, ये नहीं है। कौन से यौगिक शब्द है छाटिए? पीला, जलज, दूध वाला और लंबोदर। तो दूध वाला यहाँ पे जो वो आपका थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रत्यय वह शब्दांश है जो, तो ये सभी को पता है उपसर्ग आपके पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में, तो सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर सभी को पता है दो होते हैं। नेक्स्ट है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, यह कथन किसका है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत का। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य जो आपका और जो मीन्स इससे जुड़ा हो तो वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य वो होगा जो मीन्स एक तरह से, जैसे वह जाता है, वह रोज खेल खेलता है, तो इस तरह के आपके सरल वाक्य होंगे। लेकिन यहाँ पे और लगा के जो भी होगा या कुछ भी, आपको जो भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा होगा और जो, क्योंकि इस तरह के जो आपके वो संयुक्त वाक्य होंगे। नेक्स्ट है ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, तो ये जो है वो ओह किसको संबोधित कर रहा है? तो ये है जो आपका जैसे आ, अल्लाह, ओ, काश, तो ये आपको विस्मयादिबोधक होते हैं, यानी कि इंग्लिश में इनको बोले तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य के। नेक्स्ट है किसमें अयादि संधि है? अयादि संधि आपका गायक में है, तो फोर्थ आपका राइट। मेरा पदबंध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वाक्य और पदबंध में अंतर नहीं होता है, पद इस तरह समृद्ध होते हैं कि एक इकाई बन जाती है। पदबंध और वाक्य में अंतर होता है, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? वाक्य और पदबंध में अंतर नहीं होता जबकि अंतर होता है। नेक्स्ट है कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो समझाना जो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा नी प्लस रोग, तो ये आपकी जो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? तो सबको पता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तो हम बोलते हैं स्वरनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो और संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की जो विशेषता बताते हैं वे होते हैं आपके विशेषण, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है। फिर कौन सा वाक्य काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? भाव तत्व, छंद तत्व, शब्द तत्व या अर्थ तत्व? तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे छंद तत्व, सेकंड आपका राइट आंसर है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता है संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए तीन कौन कौन से प्रकार की होती है। नेक्स्ट है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह मत किसका है? तो ये है जगन्नाथ का। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो तब वे क्या कहलाते हैं? तो जब तक शब्द है वे शब्द ही रहेंगे, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वो होते हैं पद बन जाते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तो जैसे जैसे एग्जाम्पल लीजिए राम, तो राम जैसा बिल्कुल कोई नहीं है, तो राम जो वो अपने आप में एक तरह से पूर्ण है, यानी कि एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया व्यक्तिवाचक। वाक्य विश्लेषण में विधेय के अंतर्गत नहीं आता है, क्रिया का विस्तार, क्रम का विस्तार या कर्म? तो वाक्य विश्लेषण में विधेय तो ये करता नहीं जो वो आपका नहीं आता। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 8 भेद होते हैं यहाँ पे।
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो टोटल 11 है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, विचार किसका है? तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड का। फोर्थ आपका राइट आंसर है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः व्यापी काव्य परिभाषा किसकी है? तो ये आपकी जो मम्मट की। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है। वह बहुत धीरे चलता है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण अंश कौन सा है? तो जो है वो क्या करता है? धीरे चलता है। कितना? बहुत। तो क्रिया विशेषण अंश ये आपका फोर्थ राइट आंसर। वाक्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। बिल्कुल, कर्ता के रचना विस्तार को कर्ता के बाद में आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, संबोधन आरंभ में आता है। बिल्कुल, क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो कर्ता के रचना विस्तार को कर्ता के बाद में आना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट है, रसो वे सह की अवधारणा किससे संबंध है? तो यह तैतृतीय, यह उपनिषद। कहानी का तत्व नहीं है। देश काल कथा वस्तु चरित्र चित्रण बिल्कुल ठीक है। अभिनय रस निष्पत्ति में अनुमिति वाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो ये है शंकुक शृंगारस का। तो ये आपका रति। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव कौन सा है? तो ये है आपका प्रलय। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? व्यवहार का ज्ञान, अर्थ की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और शास्त्र का ज्ञान। तो फोर्थ आपका जो राइट आंसर होगा, शास्त्र का ज्ञान शामिल नहीं है। माधुर्य गुण का संबंध किस रस से है? तो ये है श्रृंगार रस से। दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब झूरत चतुर चित प्रीति। तो इसमें जो आपकी रूढ़ी लक्षण आए। वह पद्य रचना जिसके छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, तो क्या कहलाती है? तो ये मुक्तक कहलाती है। फोर्थ आपका राइट आंसर है। एक और रस करुण एवं निमित्त भेदात किसकी उक्ति है? तो ये है भवभूति की। निम्नलिखित में से कौन सा छंद मात्रिक छंद है? तो ये है चौपाई। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? तो ये है गर्व। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। मुख्य अर्थ बाधित होने पर जिस शक्ति से मुख्य अर्थ में संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो लक्षणा। व्यंजना के भेद हैं, तो ये शाब्दी और आर्थी। महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसकी कथा विस्तृत होती है। इसमें श्रृंगार वीर और शांत रस में किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी रस प्रधान रस हो सकता है। इसमें 8 से अधिक सर्गों में संगठित होना चाहिए, तो इसमें कोई भी रस प्रधान हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो थर्ड आपका राइट आंसर है। अद्भुत रस का स्थायी भाव तो ये है विस्मय। ओजगुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्ताक्षरों का आधिक्य रहता है, टैवर के व्यंजन रहते हैं, इसमें हृदय में दीप्ति उत्पन्न होती है। बिल्कुल ठीक है, समास का भाव होता है। बिल्कुल, इसमें जो समास का भाव होता है ये नहीं है, इसमें समास का भाव नहीं होता। मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या क्या है? तो ये 3 है मम्मट के अनुसार। नेक्स्ट है, जहाँ शब्द भेद से एक ही बात दो बार कही जाए वहां दोष होता है। तो यह पुनरुक्त तत्व थर्ड आपका जो वो राइट आंसर है। उद्यम का विलोम क्या होगा? तो ये होगा आलस्य। यथा संभव में कौन सा समास है? तो यहाँ पे यथा बे इस तरीके के शब्द आए, जैसे प्रतिदिन, तो इस प्रकार के जो होते हैं वो अभिभाव समास होते हैं। नेक्स्ट, जिस वस्तु या
व्यक्ति के बारे द्वारा जो है भाव जगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आलंबन। फिर है वागीश का संधिविच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे जो क और बड़ी ई मिलते हैं तो वहाँ पे जो है वो क प्लस ई, तो ये ग बनाते हैं तो बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई बना लेते हैं तो यहाँ पे वाक प्लस ईश वागीश हो जाएगा ए। शब्द अलंकार है तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, आपके अलंकार कई प्रकार के होते हैं तो ये यहाँ पे जो यमक है वो शब्द अलंकार होते हैं। फिर है सज्जन तो सत प्लस जन, तो ये जिसमें ज और जय दो बार आए, मतलब एक आधा जय और एक पूरा जय, तो त प्लस जय होता है तो वहाँ पे आपका संधि विच्छेद हो जाएगा सज्जन। कारण के अभाव में कार्य होने पर कौन सा अलंकार विभावना है? कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे विभावना होगा, कारण के अभाव में कार्य होने पर विभावना अलंकार। नेक्स्ट है समुद्र का पर्यायवाची, तो वारिद नीरद, नीरज और नीरद ये आपके समुद्र के पर्यायवाची नहीं होंगे लेकिन नीरद ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है। कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है? तो ध्रुव विलंबित जो ये आपका ये सम्मात्रिक छंद नहीं है। उपेंद्र वर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो एक चरण में जो वो यहाँ पे 11 होते हैं उपेंद्र वर्जा में। नेक्स्ट आपका जो वो कॉम्प्रिहेंशन आ गया है उसमें आपको पढ़ के जो वो आंसर यहाँ पे चॉइस करने हैं। फर्स्ट है स्नेह निर्जर में कौन सा अलंकार है? तो स्नेह निर्जर में आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है काव्यांश का जो केंद्रीय भाव क्या है? तो आत्मचिंतन के लिए जो वो यहाँ पे इस काव्यांश में बताया गया है। नेक्स्ट है सही उत्तर देने हैं काव्यांश को पढ़कर, तो सकल का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है यहाँ पे कंप्लीट यानी कि पूरा। नेक्स्ट है पुलिन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका तट। नेक्स्ट है काव्यांश में आए पिक का क्या अर्थ होता है? तो पिक है आपकी होता है कोयल, ये संस्कृत का जो है वो वर्ड है तो यहाँ पे आपका होगा कोयल, ये आपका तद्भव, ये आपका तत्सम है थर्ड। नेक्स्ट है किसी मनुष्य का अच्छा लगना किसके लिए पर्याप्त है? तो ये है प्रेम। नेक्स्ट है श्रद्धा के लिए जरूरी है कि मनुष्य हमारे सम्मान का पात्र हो, ये आपका इसी काव्यांश वगैरह को पढ़ने के बाद जो वो आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है किसी की सुंदर आंख देखकर उसके प्रति हो सकती है, तो ये है प्रीति। आपने लोभ और प्रीति सुना ही होगा। नेक्स्ट है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो यह है श्रद्धा और प्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वो गलत है? तो श्रद्धा में जो विस्तार कम है। फिर है बालकों के अकुलाने का क्या कारण है? तो यह है भूख। नेक्स्ट है वसन का अर्थ क्या है? तो वसन का अर्थ होता है आपका वस्त्र। ये इस तरह के क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपके पर्यायवाची वगैरह में समानार्थी शब्द में जो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है काव्यांश में किसके प्रति घृणा का अभाव है? तो जो ये है ये धनिकों के प्रति यहाँ पे अभाव है, फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। फिर है स्वान का आश्रय क्या है? तो ये कुत्ता। नेक्स्ट है लज्जा वसन में कौन सा अलंकार है? तो ये है रूपक। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके, तो सेकंड आपका राइट है। जिसे हम आलंबन कहते हैं वह किसकी अनुभूति का स्वेदे रूप है? तो वह है कवि की। काफी क्वेश्चंस पूछे गए आपके काव्यांश गद्यांश से। नेक्स्ट है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो यह है साधारणीकरण सेकंड। गद्यांश पे प्रतिपादक के संदर्भ में किस आचार्य का उल्लेख है? तो यह है भट्टनायक का। गद्यांश काव्यांश से काफी क्वेश्चंस पूछे गए फ्रेंड। नेक्स्ट है उसके साधारणीकरण का अर्थ है इसमें प्रयुक्त उसके का आशय क्या है? तो ये है आलंबन। दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन जो गलत है? ये समाचारों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है।
समाचारों के साथ चित्रों के प्रसारण से समाचार की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होता, यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। तो ये ऑप्शंस जो तीनों ठीक है, दृश्य श्रव्य होता है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है, बिल्कुल चित्र के माध्यम से समाचार को प्रस्तुत किया जा सकता है, समाचारों के साथ चित्रों के प्रसारण में समाचार की प्रमाणिकता संदेह नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। यह कम प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, ऐसा नहीं है, कम प्रभावशाली। आजकल सुबह सुबह 5 से 6 बजे ही जो है वो आप दूरदर्शन से लेके कुछ भी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम। नेक्स्ट है, हरि गीति का छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो ये 28 होती हैं, मैंने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे से पढ़ा थे छंद। नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन जो गलत है, आज़ादी के पूर्व पत्रकारिता जन सेवा थी, ओके, साक्षर लोगों ही प्रत्यक्ष लाभान्वित हो पाते हैं, आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदल गया, समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग में घोर कमी आ गई है, ऐसा तो नहीं है, ये बात गलत है। तो ये गलत ऑप्शन है और गलती पूछा है, तो आंसर फोर्थ होगा। जिससे उपमा दी जाती है तो वो होता है आपका उपमान। उपमेय और उपमान में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है फ्रेंड्स, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट है, श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य एवं श्रव्य संचार माध्यमों को एकीकृत रूप में कहते हैं, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सेकंड, खिला हो जो बिजली का फूल पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। जन संचार माध्यमों के बारे में कौन सा कथन जो वो गलत है, तो ये है रेडियो सरकारी नियंत्रण से जो मुक्त है। नेक्स्ट है, जन संचार का कौन सा माध्यम श्रव्य माध्यम नहीं है, तो जो है वो समाचार को सिर्फ हम जो है लिखित रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ये है श्रव्य माध्यम, इसको सुन नहीं सकते, ये सुनने का माध्यम नहीं, रेडियो टेलीफोन टाइप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। पत्रकारिता का लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ जाता है, तो ये है फोर्थ। चौथा, समाचार संपादन का आयाम नहीं है। देखो, आपका प्रिंट मीडिया, जनसंचार वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। समाचार संपादन का आयाम नहीं है, समाचारों का चयन, संशोधन, परिमार्जन, सुरुचि पूर्ण प्रस्तुतिकरण, लेकिन घटना की जांच कर दोषियों को दंड देना, ये आपका समाचार संपादन का आयाम नहीं है। नेक्स्ट है, अच्छे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारदाता में कौन सा गुण होना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे नहीं के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। स्पष्टवादिता होना जरूरी है, प्रत्युत मति होना और तार्किकता होनी जो वो जरूरी है, लेकिन जो मुस्कुराहट है वो अच्छे साक्षात्कार के लिए दाता का जो वो अनिवार्य है, यहाँ पे गुण नहीं है। दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले को हिंदी में कहते हैं, तो स्क्रीन दूरदर्शन के लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले में यहाँ पे पटकथा जो हो एक बार तैयार करनी होती है, फिर उसको स्क्रीन प्ले के माध्यम से हम जो दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन जो वो गलत है, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन, यथासंभव अधिक पात्र रखना चाहिए, ये कथन जो गलत है, इसमें जो हो अधिक पात्र की जो वो काफ जरूरत नहीं है, पात्रों की पहचान रेडियो पर उनकी आवाज़ से होती है, बिल्कुल आप पहचान सकते हैं। रेडियो नाटक में वाद्य संगीत का प्रयोग होता है, बिल्कुल वाद्य संगीत के बिना रेडियो नाटक बोरिंग लगेगा, लंबे वाक्यों के प्रयोग से जो बचना चाहिए, ठीक ऑप्शन है, लेकिन फर्स्ट आपका ठीक नहीं है। फिर अब प्रूफ संशोधन में जो चिन्ह है ये है, इसका क्या आशय है, तो ये है स्पेस का, स्पेस डालें। रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं होता, तो कार्यक्रम प्रसारित होने वाले केंद्र का नाम, कार्यक्रम का नाम, प्रसारित होने का समय, लेकिन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण जो हो यहाँ पे शामिल नहीं होता। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन फिर से यहाँ पे नहीं है, रेडियो समाचार को हर श्रोतावर्ग को समझने योग्य बनाना जटिल कार्य है, ओके, रेडियो समाचार की समयावधि असीमित होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी अवधि जो है असीमित होती है, रेडियो समाचार सूचनात्मक होते हैं, रेडियो समाचार प्रस्तुतिकरण में मुद्रित माध्यम से अलग होते हैं, तो सेकंड आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है, असीमित नहीं। दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशिष्टता नहीं है, लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, समाचार यथासंभव संवाद शैली में
लिखे जाए और वाक्य लंबे और क्लिष्ट होने चाहिए। वाक्य लंबे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, यह विशिष्ट नहीं है, विशेषता नहीं है। दूरदर्शन समाचार के नेक्स्ट है, न्यूज डेस्क का प्रभावी कौन होता है? तो ये होता है समाचार संपादक। किसी पत्र या पत्रिका के पृष्ठों के कागज पर तैयार किए गए कच्चे प्रारूप को क्या कहते हैं? तो ये है डमी। कच्चे प्रारूप को यहाँ पे डमी के रूप में। फिर विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही नहीं है? हर विज्ञापन एक पूर्ण बिक्री बातचीत हो, भाषा विश्वसनीय हो, साहित्य भाषा साहित्यिक भाषा हो या भाषा आकर्षक हो। तो नहीं वाले काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये तीनों ऑप्शन आपके जो हो ठीक है, लेकिन साहित्यिक भाषा हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को जो हो लीड कहते हैं। नेक्स्ट है, समाचार का प्रथम अनुच्छेद किसे कहा जाता है? तो ये है आमुख को। आमुख यानी कि आपका इंट्रो जो चैप्टर्स के या जो भी पार्ट्स के पहले, यानी कि इसको आमुख बोलते हैं। नेक्स्ट है, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन जो सही नहीं है? इसमें कहानी के तत्व होते हैं बिल्कुल, कहानी की कल्पनाशीलता नहीं होती, लेकिन रिपोर्टाज का आकार जो सीमित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्टाज का आकार जो सीमित होता है वो तो जैसी रिपोर्ट तैयार होगी वैसा ही उसके अकॉर्डिंग। फिर फोटोग्राफी के गुण होते हैं, अर्थात शब्दों के जरिए फोटोग्राफी। नेक्स्ट है, इसका आधार आंखों देखी घटना या दृश्य होता है? बिल्कुल होता है, आंखों देखी घटना को अगर देख पाएंगे या उसका दृश्य देख पाएंगे या कुछ भी समझ पाएंगे तो तभी हम उसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वृत्तचित्र और नाटक के समन्वित रूप को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डॉक्यू ड्रामा। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? इसे प्रेस इंटरव्यू भी कहा जाता है। क्या इसे प्रेस इंटरव्यू कहा जाता है? ठीक है, साक्षात्कार समाचार की जीवितता में बाधक है। ऐसा कुछ नहीं है कि साक्षात्कार समाचार की जीवितता में बाधक है। इससे किसी समाचार को प्रामाणिकता मिलती है, यह है पत्रकारिता की आधुनिक विधा है। ये ठीक है आपका, लेकिन समाचार की जीवितता में बाधक ऐसा नहीं है। संपादकीय लेखन के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? संपादकीय का उद्देश्य समाचार पत्र की विचारधारा को प्रस्तुत करना होता है। बिल्कुल ठीक है, संपादकीय संपादन का निजी पृष्ठ होता है। बिल्कुल, संपादकीय में संपादक निजी विचारधारा को प्रस्तुत करता है। निजी पृष्ठ तो होता है लेकिन उसकी विचारधारा को प्रस्तुत ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, संपादक व्यक्तित्व और विचारधारा दोनों की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो वो यहाँ पे नहीं है, ये आंसर होगा आपका। समाचार निर्माण में प्रूफ रीडिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर से यहाँ पे गलत, प्रूफ रीडिंग बहुत रोचक काम है। प्रूफ संशोधन के संकेत चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, संबंधित भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। तो ये नेगेटिव वर्ड है कि काम है, वही आपका कहीं ना कहीं सीटेट की तरह ही क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट है, प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी को कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है, ना ही साहित्य हिंदी, ना ही मानक हिंदी, ना ही संवैधानिक हिंदी, और इसको कामकाजी हिंदी। फीचर लेखन के संबंध में कौन सा कथन फिर से गलत वाला आ गया? इसमें लेखक की हार्दिकता और मनोरंजक दृष्टि होती है, ठीक है, यह न तो समाचार लेखन और न ही रचनात्मक लेखन, ठीक है। फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है, फिर से सीमित, यहाँ पे कोई बाउंडिंग वाली बात नहीं है। इसमें मानवीय संवेदना को श्रृंखलित करने की शक्ति पैदा की जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दायरा सीमित वाला। नेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट्री है उसको तैयार करने के लिए आलेख में किसकी प्रधानता होनी चाहिए? तो ये तथ्य की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। शैक्षिक जानकारी का किसके साथ जो है महत्वपूर्ण संबंध होता है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान को। हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक हाई लेवल एप्लीकेशन कनेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल होस्ट? तो ये है प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक हाई लेवल एप्लीकेशन कनेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल होस्ट? तो प्रोक्सी सर्वर आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्रुति हैज़ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग सिंबल। श्रुति को अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है
सिंबल की जो एंड सच सिमिलर रिप्रेजेंटेशन तो डिस इज टर्म तो इंटरनल बैरियर। नेक्स्ट है डैश के सिद्धांत अनुसार एक शिशु के शारीरिक विकास में पैरों की उंगलियों का विकास अंत में होता है, तो ये शिरो वक्ष विकास सिफलोकोडल यानी कि सिर से पैर की ओर यानी कि हेड टू टॉय सिर से पैर की ओर, और एक होता है केंद्र से बाहर की ओर, तो ये आपका होता है सिफलोकोडल। प्रोक्सीमोडिस्टल होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर, तो सेकंड आपका राइट आंसर है। फिर है शिक्षण एक विज्ञान है डैश को इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो शिक्षण एक विज्ञान है जिसको सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण के रूप में प्रमाणित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनना, समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है और अभ्यास इस बात का समर्थन करते हैं कि सभी छात्र भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने के अवसर प्रदान करें। बिल्कुल एक तरह से जबरदस्त जवाब है, लेकिन दूसरा पढ़ के देखिए सभी छात्रों को भाग लेने का समान अवसर अपेक्षित सहयोग दिया जाए, बिल्कुल उन्हें जो अवसर प्रदान किए जाने चाहिए यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन है आपका वो एकदम जो बेस्ट है। नेक्स्ट है रिहान में निम्न कार्य स्मरण क्षमता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं और उसकी जो शैक्षिक उन्नति है उसमें सहयोग देने के लिए निम्नलिखित कौन सी जो है वो युक्ति सर्वश्रेष्ठ होगी। मित्र प्रणाली का अनुसरण करना, बिल्कुल स्मरण भार सरल और कम करना, विषय वस्तु कम करना, कम नहीं हमें जो ये देखो ये नेगेटिव ऑप्शन आपके कम करना, कम करना, मुद्रित पाठ्य सामग्री देना, मुद्रित पाठ्य सामग्री नहीं जो है वो स्मरण सार और सॉरी एक मिनट मैंने क्वेश्चन नहीं ठीक से पढ़ा। रिहान में निम्न कार्य स्मरण क्षमता के लिए दृष्टिगोचर होते हैं शैक्षिक उन्नति में उसे सहयोग देने के लिए कौन सी जो युक्ति जो सर्वश्रेष्ठ होगी, तो स्मरण और भाषा सरल और उसको जो हो कम करना, तो ये आपका जो आंसर होगा। फिर है जेंडर रोल एंड डिस्क्राइब्ड एज, तो ए सेट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स परसीव्ड एंड एक्सेप्टेबल फॉर ए स्पेसिफिक सेक्सुअलिटी, तो थर्ड आपका जो राइट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल नॉन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये ग्रामर रिप्रेजेंटेशन एवरेंट डिस्प्रेशन कोरिलेशन इन्फरिंग, तो ये तीनों गलत है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका प्रेजेंटेशन आपका आंसर है। आशीष एक अग्र सक्रिय छात्र है और कक्षा में अनेक प्रासंगिक प्रश्न पूछता है, कौन सी सर्वोत्तम कार्य ये नीति है जो शिक्षक अपना सकता है, तो चर्चा संस्कृति अंतर निर्विष्ट करना और उस चर्चा में भाग लेने के लिए जो प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहन यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है, लेकिन आपका यहाँ से संस्कृति से जुड़ पा रहा ऑप्शन है तो आप इसको टिक करेंगे। फिर है ओपन माइंडनेस अलाउ एन इंडिविजुअल टू बिकेम, तो ये है रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एडिटर, गूगल क्रोम नहीं, जावा नहीं, सी नहीं, लेकिन वर्ड पैड में हम जो वो टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करते हैं उसको एडिट करते हैं और फिर वर्ड पैड में से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ब्रांड ऑफ साइंस, तो ये है फॉर्मल साइंस, मैथमेटिक कैटेगराइज ब्रांच ऑफ साइंस, तो ये है फॉर्मल। नेक्स्ट है विशेष प्रकार की जो शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए बने विशेष प्रावधान उन्हें संयोग वंश डैश होने की अनुभूति करा सकते हैं, तो ये है भिन्न होने की अनुभूति करा सकते हैं, अनुभूति है सॉरी। एक आकलन रूब्रिक में मानदंड साझा करना एक रचनात्मक दृष्टिकोण है क्योंकि है परीक्षार्थियों को गतिविधियों के इच्छित परिणामों के बारे में सूचित करता है, तो हिंदी में आपके जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी में जो है वो आपके यहाँ पे विधियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका जो है वो यहाँ पे पत्रकारिता जर्नलिज्म प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फीचर वगैरह जो भी आपसे समाचार वगैरह जो भी है उनसे पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं जो आपके रूब्रिक है जैसे पोर्टफोलियो है, तो इस तरह की जो है हिंदी शिक्षण विधियाँ या हिंदी शिक्षण लेखन पाठक पढ़न कौशल जितने भी स्किल है आपके सूक्ष्म शिक्षण
पे इस तरह के क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं 20 to 30 क्वेश्चंस जो वो आपका ऐसे क्राइटेरिया रहेगा जब आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे गए। तो एपीजीडी का पेपर है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 200 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर कला शिक्षा के एकीकरण द्वारा प्रतिफल आत्मलोकन और क्रिया को किसके द्वारा समन्वित किया जाता है? तो ये है सिर, हृदय और हाथ। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंडिंग द रीड टेस्ट ऑल्सो मीन्स तो डिकोडिंग द टेक्स्ट। फिर है प्रसिद्ध व्यक्तियों को डैश द्वारा वर्णित किया जाता है, तो प्रसिद्ध व्यक्तियों को वार्तालाप गतिविधियों द्वारा जो हो वर्णित किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव डैश का एक परिणाम है, तो यह है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो वो अधिकता। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ द UGC इज टू कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री, तो यह है डिसबर्स फंक्शन फंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है वो PGT मेल कैंडिडेट का पेपर, मेल कैंडिडेट का जो भी आपका हुआ था 23 तारीख को 2018 में। तो हमने जो आफ्टरनून या इवनिंग वाले शिफ्ट का जो यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट किया है, तो ऐसे ही हम जो जितने भी आपके DEE BBB में क्वेश्चंस आए उनको देखेंगे कि किस प्रकार का जो वो एग्जामिनर यहाँ पे क्राइटेरिया रख रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।